सीमा पार पाकिस्तान की आतंकी साजिशों से सख्ती से निपटने के लिए एलओसी से सटे गांवों में सेना ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। सीमा पार पाकिस्तान और चीन की साजिशों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है, जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन से बढ़ते खतरे को लेकर सावधान किया है, आगाह किया है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें अब देखते हैं। टॉप नाइन दुश्मन चीन पाक में सीमा के पास के गांव वालों को हथियार चलाने और पाकिस्तान की ओर से दागे जाने वाले गोलों से बचने की ट्रेनिंग भी दे रही है। विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों को सेना ने राजौरी के नौशेरा में खास ट्रेनिंग दी, ताकि जरूरत पड़ने पर घुसपैठ करने वाले आतंकियों को ढेर कर सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना की ओर से गांव के युवाओं के साथ लड़कियों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही। ट्रेनिंग लेने वाली युवतियों का कहना है कि वो भारतीय सेना का हिस्सा बनकर आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभाना चाहती है। हमें ये वेपन्स की ट्रेनिंग दे रही है, जैसे हमें मैगजीन कैसे फिट करनी है। सेना सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी हथियार चलाने और आतंकियों से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दे रही है। इस खास ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि अगर सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करते हैं तो कैसे उनका सामना करना है। अगर आपको गोले दिखते हैं जो लाइव बॉम्ब है तो उस समय आपको क्या करना है। यहाँ पे लाइव डेमोंस्ट्रेशन जो है वो भारतीय सेना की तरफ से इन गाँव वालों के लिए दी जा रही है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान की साजिशों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को और सशक्त करने पर जोर दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत के 50 साल होने पर मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर बेंगलुरु के येलहंका वायु स्टेशन में 3 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन पर राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 की लड़ाई मानवता और लोकतंत्र की गरिमा के लिए लड़ी गई थी। सीडीएस बिपिन रावत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से भारत में आतंकी घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उससे वह विश्वास की खाई को और बढ़ा रहा है। रावत ने चीन के अंतरिक्ष मिशन को भी भविष्य के लिए बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने अंतरिक्ष और साइबर अटैक की तकनीक को और मजबूत करने पर जोर दिया। खबरों के मुताबिक टीएलपी के हिंसक प्रदर्शन में पार्टी के 37 समर्थक मारे गए, जबकि टीएलपी के समर्थकों के बवाल के दौरान पाकिस्तान पुलिस के 3 जवान भी मारे गए और कई घायल हो गए। टीएलपी ने अपने संस्थापक खादिम रिजवी के बेटे हाफिज साद हुसैन रिजवी की जेल से रिहाई की मांग को लेकर लाहौर में जमकर बवाल किया। कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच लाहौर में जमकर झड़प हुई। टीएलपी के समर्थकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और मोर्टार दागे। रात के अंधेरे में लाहौर की सड़कों पर युद्ध जैसे हालात बने रहे। टीएलपी ने रेंजर्स की फायरिंग में अपने समर्थकों को भारी नुकसान की बात कही। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में नाकाम और कंगाल पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद की आस है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज से सऊदी अरब के 3 दिनों के दौरे पर। इस दौरे में इमरान को रियाद में हो रहे मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में हिस्सा लेना है, लेकिन असली मकसद सऊदी अरब से कर्ज की एक बड़ी किस्त हासिल करना है। एलएसी पर चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी की। असम और अरुणाचल बॉर्डर से थोड़ी ही दूरी पर इंडियन आर्मी ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में एक साथ 72 रॉकेट दागने में सक्षम है। इसके अलावा अरुणाचल के तवांग और एलएसी पर पहुंचने के लिए सड़कों टनल का जाल बिछाया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।